मंदिर तुझे आरो प्रभु करुणा दया सागरा पावन वावे जीवन मुझे वरदान दे मंदिर तुझे आरो प्रभु करुणा बिशप जी को हमारे बीच में स्वागत करने के लिए मूल पारिश का नरेंद्र भाई को मैं अभी हमारे बीच में स्वागत करते हैं। ख्रिस्तामध्ये उपस्थित माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला माहीत आहे कालपासून आपण सुसमाचार प्रचारक कसे करावे, सुसमाचार प्रसारविषयी आम्ही आध्यात्मिकतेचे अत्यंत मौलाचे शिक्षण घेत आहे। कारण प्रभूलाही इच्छा होती की एकाचाही नाश होऊ नये, तसेच आमच्या धर्मप्रांताचे धर्माध्यक्ष आमचे मेंढपाळ त्यांनाही इच्छा आहे की आपल्या धर्मप्रांतातील एकही विश्वासू भक्ताचा नाश होऊ नये, म्हणून त्यांनी त्यांच्या मौलाच्या मार्गदर्शनाद्वारे आणि त्यांच्या सहकार्याने या आध्यात्मिक शिबिराचे आयोजन केलेले आहे। त्याबद्दल आपण आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर आणि रक्त देऊन आमचे परिपोषण करण्यासाठी, ख्रिस्त सभेचे परिपोषण करण्यासाठी, पवित्र मिसा बलिदान चढविण्यासाठी या डिवाईन वचनाश्रममध्ये उपस्थित आहेत। तेव्हा आपण आपल्या हृदयाच्या गहराईतून टाळी वाजवून आपण आपल्या मेंढपाळाचे आपण स्वागत करूया। टाळी वाजवू, सर्वांना धन्यवाद। आता आपण पवित्र मिसा बलिदानामध्ये भाग घेऊ। पिता पुत्र वधू यांच्या नावे आमीन। रात्र पावन पसकाची भरती, रात्र पावन पसकाची पायग भूनी शिष्य मित्रांचे, पायग भूनी शिष्य मित्रांचे, जस केली आज्ञा प्रभुरायाने, जस केली आज्ञा प्रभुरायाने, ऐकीने अर्पावे बलिदान नवे। प्रभु प्रेमाची एकीने अर्पावे।
शिष्य मित्राचे पाय धोने शिष्य मित्राचे स्वर्गदामी ईश्वराचा महिमा स्वर्गदामी ईश्वराचा महिमा महिमा तू पावन
तुझे पवित्र वावे नाम तुझे तुझे राज आवे सदा प्रभु तू पावन 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 प्रभु तू पावन पावन करूया शांती आपल्या बरोबर असो हे प्रभू आमचे देवा तुझ्या महान त्रिक्याच्या पवित्र नामाची स्वर्गात वा पृथ्वीवर महिमा होवो त्यांची स्तुती होवो कृतज्ञता वा आराधना होवो तुझा हे सर्वाच प्रभू पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्या सर्व काळ मजा मिल बाड़ा अमिता जी में रे हिरव्या गुरनाथ सर्व सहाय बेदवा निग्रह बेदल मी योग्य कृतज्ञता प्रकट करू शकत नाही म्हणून आशीर्वादाने अनुग्रहाने परिपूर्ण व अदुप्रमाणे सलंकृत असलेल्या तुझ्या सभेत आम्ही तुझी अखंड स्तुती वा गौरव करतो तुझा हे सर्वाच प्रभू वा निर्मता पिता पुत्राने पवित्रात्म्या सर्वकाल मृत्यु मारी बा
आपण प्रार्थना करूया. शांती आपल्या बरोबर असो. हे प्रभु, तू खरोखर आमच्या शरीराला पुनर्जीवन देणारा, आमच्या आत्म्यांना तारणारा, आत्म्यांच्या जीवदाचे नित्यविवान करणारा आहेस. हे प्रभु, सदाय तुझे स्तुती करणे, पूजा अर्चा करणे दासंग आहे. तुझा हा सर्वोच्च प्रभु सदा सर्व काळ. आमीन. हे पावन महिमामय देवा, तो भक्तजनावर संतोष होऊन त्यांच्या मध्ये निवास करतोस. आमची विनंती स्वीकार. तो आपल्या स्वभावाप्रमाणे आम्हावर कृपा कर, आम्हाला आशीर्वाद दे. तुझा हे सर्वोच्च प्रभु पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्या सर्व काळ. प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, रोमकरास पत्रातून घेतलेलं आजचे वाचन अध्याय 11 वाक्य 25-23. गुरुवर आपला आशीर्वाद. नसी तुला आशीर्वाद. बंधूजनो, तुम्ही आपल्याला शहाणे समजू नये म्हणून या रहस्याविषयी तुम्ही आज अंजान असावे अशी माझी इच्छा नाही. ते रहस्य हे की परराष्ट्रांच्या भरणा अंत येईपर्यंत इस्रायल लोक अशांत कोळघे झालेले आहेत. या रीतीने सर्व इस्रायल लोकांचे तारण होईल. शास्त्रात असे लिहिलेले आहे, मुक्त करणारा सिवनातून येईल, तो याकोबापासून अभक्त दूर करील. जेव्हा मी त्याची पापे हरण करीन तेव्हा त्याच्याबरोबर हाच माझा करार होईल. सुरतेच्या दृष्टीने पाहता तुमच्यामुळे ते शत्रू आहेत, परंतु निवळच्या दृष्टीने पाहतात पूर्वजांमुळे प्रियजन आहेत. कारण देवाला आपल्या कृपादानाच्या व पाचरणाच्या अनुताप होत नाही. ज्याप्रमाणे पूर्वी तुम्ही देवाची अवज्ञा करीत होता, परंतु आता तुम्हाला त्याच्या आज्ञाभंगाचे दया प्राप्त झाली आहे, त्याप्रमाणे तुम्हावरील ममतेने त्यांनीही आता ममता प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांनी आता आज्ञाभंग केला आहे. त्या सर्वावर दया करावी म्हणून देवाने त्या सर्वांना आज्ञाभंगाच्या कोडव्यात कोडून ठेवले आहे. प्रभूची वाणी आहे. आपल्या प्रश्नस्थाची स्तुती असो. हालेलुया गाऊ आपण, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया गाऊ आपण, हालेलुया हालेलुया. उकरी जगण्या विचाराची फुटली माझ्या बरी,
आपण पवित्र शुभ वर्तमान लक्षपूर्वक ऐकूया. शांती तुमा बरोबर असो आणि तुमा बरोबरी असो. संत मत्तै द्वारा खोश आपल्या प्रवेश ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या प्रभु ख्रिस्ताची स्तुती असो. अध्याय 5 वाक्य 13 पासून 16 पर्यंत. अध्याय 5 वाक्य 13 पासून 16 पर्यंत. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहे, पण जर मिठाचा गर्पणाच खेला तर तो गठ्ठापणा त्याला कशाने आणता येईल? पुढे ते बाहेर फेकले जाऊन माणसांच्या पायखाली तुडविले. जना पलीकडे त्यांचा कसलाच उपयोग नाही. तुम्ही जगाचा प्रकाश आहा. डोंगरावर बसलेले नगर लपू शकत नाही. दिवा लावून मापाखाली ठेवीत नसतात दिपटणीवर ठेवतात म्हणजे तो गर्त्याल्या सर्वांना प्रकाश देतो. त्याप्रमाणे तुमचा प्रकाश लोकासमोर असा पडू घ्या की त्यांनी तुमचे सत्कर्म पाहून तुमच्या स्वर्गातील पित्याचे गौरव करावे. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची स्तुती असो. ईसा मसीह में मेरा विश्वासी गण, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप सब लोग अपना मकबूल समय निकाल कर थर्म प्रचार का अभ्यास के लिए वर्कशॉप और इवेंजलाइजेशन के लिए डिवीन वजन आश्रम में आया है. आपको प्रभु मसीह का वजन में इतना तात्पर्य है, इसलिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोग आए थे. ओ प्रभु, वजन का शक्ति का वरदान मूल आप सबको मालूम है. प्रभु मसीह का वचन में जीवन है. ओ जीवन अनंत जीवन है, नित्य जीवन है. सिर्फ शारीरिक दुनिया का जीवन नहीं है. ओ जीवन हमको प्रभु मसीह के साथ जाने का शक्ति और वरदान हमको दे सकता है. प्रभु का वजन बाकी वजन से अलग है और बहुमूल्य है. ईश्वर का शब्द है. संत अगस्टिन एक बार बताया, बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है, लव लेटर है. यो लोगों को मालूम है क्या लव लेटर है? प्रेम पत्र है. ईश्वर का प्रेम पत्र है बाइबल, क्योंकि ईश्वर हमको इतना, दुनिया को इतना प्यार किया, उनका एकलौत पुत्र प्रभु मसीह को हमारे लिए, हमारे बचाने के लिए भेजा है. अभी दो दिन इसके पहले 3 दिन फादर लो सिस्टर लो के लिए
धर्म प्रचार का अभ्यास वर्कशॉप एंड इवेंजलाइजेशन 3 दिन, अभी 2 दिन कैटेकिस्ट युवलोक और बाकी लोगों के लिए है, उसके बाद 3 दिन सेमिनरी लोगों के लिए है, सेमिनरी और नॉविस लोगों के लिए है। सो 8 दिन का अभ्यास है अलग अलग लोगों के लिए। इसका उद्देश्य है हमको इसके अनुसार अभ्यास के अनुसार कैसे प्रचार करना है। सबसे पहले हम प्रभु मसीह का संदेश स्वीकार करना है। संत मरकुस द्वारा समाचार अध्याय 3:13-15 तक लिखा है, प्रभु मसीह क्यों शिष्यों को बुलाया, उसका उद्देश्य क्या है। 3 उद्देश्य के लिए बुलाया है। सबसे पहले ईश्वर के साथ रहना है, और दूसरा है आप दो निकालना है, और तीसरा है भेजना है, सुसमाचार फैलाने के लिए, लोगों को देने के लिए भेजना है। सो सबसे पहले ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर का आवाज़ सुनकर प्रभु मसीह का संदेश स्वीकार करना है, हमारे दिल में स्वीकार करना है, और स्वीकार करके वो लोगों को प्रचार करना है। अभी प्रचार करने कैसे कैसे प्रचार करने का रास्ता और रीति हमको पठाने के लिए 2 दिन है, हमको मालूम है कैसे करना है। सबसे पहले प्रभु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना, साक्ष्य देख विटनेस, ओ प्रभु मसीह का संदेश के अनुसार हमारा जिंदगी अच्छा होने के लिए हम कोशिश करना है, प्रयत्न करना है, लोगों को मदद करना है, ओ प्रार्थना करना है, ये सबसे पहले करना है। इसके बाद वजन रूप से लोगों को देना है, धर्म प्रचार सुसमाचार का प्रचार करना है। सबसे पहले अपना जिंदगी से वो सुसमाचार का संदेश हमारे जिंदगी से जीने के लिए विशेष से समर्पित है, बुलाया है सब ईसाई लोग। तो सब ईसाई लोग का कर्तव्य है समाचार प्रचार करना, सिर्फ फादर लो सिस्टर लोग का नहीं है, पोप स्वामी बिशप लोग का नहीं है, फादर लो सिस्टर लोग पोप स्वामी बिशप लोग का कर्तव्य है अपना क्या करना है, अपना संपत्ति, अपना पारिवारिक लोग, पत्नी पति बच्चों लोग माता पिता सबके छोड़कर दूर देश में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। बाकी पारिवारिक लोग कैसे करना है, पारिवारिक लोग अपना अपना परिवार में रह के सुसमाचार प्रचार करना है। फादर लोग सिस्टर लोग कुछ जगह में कोई जगह में जा सकता है क्योंकि पीछे कोई नहीं है, माता पिता हो गए वो छोड़ के आया है, पत्नी पति नहीं है, बच्चों लोग नहीं है, सो कोई लगा में जा सकता है। आप लोग ऐसे नहीं है, घर में कोई लोग है ना, माता पिता हो है, पत्नी पति है, बच्चा लोग है, सो उनको देखना आपका दायित्व है, कर्तव्य है। सो पारिवारिक छोड़ के नहीं है, अपना अपना परिवार में सुसमाचार के अनुसार व्यवहार करके लोगों को समाचार में का साक्ष्य देना है। आज का मिसा में हमको दिया गया सुसमाचार संत मत्ती द्वारा सुसमाचार अध्याय 5:13-16 तक, वो क्या है, लोगों का और दुनिया का नमक है और दुनिया का प्रकाश है। सबसे पहले नमक के बारे में हम मनोरंजन करते हैं, नमक सबको मालूम है ना, नमक क्या के लिए उपयोग करते हैं घर में, सबसे पहले खाना पीना के लिए ना, थोड़ा नमक कम है तो उनका रुचि कम हो जाएगा।
सो सबसे पहले नमक का उद्देश्य भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए, भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए, और दूसरा है गाना खाना सड़ने या खराब ना हो। सबको मालूम है ना, थोड़ा ज़्यादा नमक डालेंगे तो वो नहीं खराब, गंदा हो जाएगा, नहीं गंदा हो जाएगा। सो सबसे पहले स्वाद के लिए, दूसरा नहीं गंदा हो जाने के लिए, और तीसरा है कृषि लोगों को मालूम है कैसे कैसे है, पौधों और पेड़ों के लिए खाद के रूप में नमक उपयोग कर सकता है ना। वो नारियल को बढ़िया खाद है नमक, नारियल को। तो गया हफ्ता में दो तीन नारियल विश्वसुम कैंपस में लगाया, उनको थोड़ा नमक डाल दिया, उसको अच्छा है, नारियल के लिए अच्छा है, बाकी के लिए भी अच्छा है। सो तीन दीदी से वो तीन उद्देश्य नमक को, सबसे पहले स्वाद, दूसरा सड़ने और नहीं गंदा हो जाने के लिए, और तीसरा है पौधों और पेड़ों के लिए खाद के रूप में। प्रभु मसीह हमको बताया, आप ईसाई लोग, उनका शिष्य लोग नमक है। इसका अर्थ है, इसलिए हमें समाज की सेवा करनी है, इसके समाज। सो समाज को स्वाद रुचि, दूसरे के जीवन के या समाज में स्वाद जोड़ने के लिए हम कोशिश करना है, अच्छे रीति संभाषण करना है, और दूसरों और समाज को अनैतिकता से बचाए। तो वो बुराई रास्ता में चलने लोगों को अच्छा रास्ता में लाने के लिए हम कोशिश करना है, इसका मतलब है। और तीसरा है खाद के तरह दूसरों और समाज को सद्गुणों और अच्छाइयों में बढ़ने में मदद करे। तो तीन दीदी से हमको नमक के समान व्यवहार समाज में, परिवार में, पैरिश में व्यवहार कर सकता है। एक ही वजन में लोगों को अच्छे रीति से रहने के लिए मदद करना है, कोशिश करना है। और दूसरा है प्रकाश है, ज्योति है, लोगों का ज्योति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रात में ज्योति, रात में छिमछिम के लिए ना, ठीक से देखने के लिए प्रकाश और ज्योति जरूरत है। और दूसरा है अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए, और तीसरा है ठीक करना, चंगाई देना और बढ़ना। मैं आठवीं क्लास में पढ़ा है एक क्या फोटोसिंथेसिस, इसका हिंदी क्या है मालूम नहीं है, मलयालम भी मालूम नहीं है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब सब पौधों में, पेड़ों में इसका पत्ता है ना, पत्ता से प्रकाश स्वीकार करके, वो पत्ता है एक रसोई घर के समान है। हमारा घर में रसोई घर है, वो क्या करना है, वो खेलने के लिए, खाना के लिए, रसोई घर में हम खाना बनाने हैं ना, ऐसे पत्ता में वो सूर्य का प्रकाश स्वीकार करके पौधों और पेड़ों को खाना बनाते हैं। सो प्रकाश, प्रकाश अच्छे रीति से उपयोग करना है। वो अस्पताल में जाएंगे तो एक रेड लाइट है, लाल लाइट का चिकित्सा है, लाल लाइट का चिकित्सा है। कोई दर्द है तो वो लाल लाइट थोड़ा समय रहे तो थोड़ा दर्द कम हो जाता है।
ये इसका उद्देश्य है। प्रकाश लोगों को चंगाई देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, रात में कुछ सामान देखने के लिए प्रकाश उपयोग कर सकता है। इसलिए भी हमें कार्य करना होगा समाज में, दूसरों को अच्छे बुरे को पहचानने या अलग करने में मदद करना है, और दूसरों को सही और उचित रास्ता दिखाने का, और तीसरा है अपनी सेवा से दूसरों को स्वस्थ करना और उन्हें आगे बढ़ने या महान बनने में मदद करना है। वो सब ईसाइयों का कर्तव्य है। ईसाई लोगों को बहुमूल्य कर्तव्य है लोगों को सेवा शुश्रूषा करना है, अपने जीवन भी समर्पित करके लोगों को सेवा शुश्रूषा करना है। सो प्यारे मित्रों, प्रभु मसीह के समान नमक और प्रकाश है, और हमें वह नमक और प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है। हमें उस प्रकाश को फैलाना है और नमक के उस स्वाद को दुनिया में साझा करना है, या धर्म प्रचार है। ये धर्म प्रचार है। नमक आप प्रकाश के समान वो समाज में व्यवहार करना है। संत मत्ती द्वारा सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 35 में लिखा है, 35 और 36। ईसा सभा गृहों में शिक्षा देते, राज्य के समाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। समाचार फैलाने के लिए नगरों और गांवों में घूमने के लिए बुलाया है सब ईसाई लोग। 35वां द्वारा यह कर्तव्य हमको दिया है। ऐसे जाने का समय हम कैसे व्यवहार कर सकता करना है। संत पौलुस का कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में ऐसे लिखा है, तो कैसे सुसमाचार प्रचार करना है। सबसे पहले कैसे, मुँह से करना है, काम से करना है, इसके पहले भी कैसे करना है। संत पौलुस का वचन है, क्योंकि लोग, संत पौलुस का कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 15, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाए, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह के सुगंध है। मसीह के सुगंध, सुगंध का विशेषता क्या है, आ सब लोग मालूम है ना, कहते सुगंध है ना। वो सुगंध है तो कोई लोगों को बोलना है ओ मेरा शरीर में सुगंध है, जरूरत नहीं है, उनको मिल सकता है सुगंध ना। एक फूल का सुगंध, फूल हमको बताएंगे ओ का आओ में सुगंध है, वो फूल के सामने बाजों में जाएंगे तो हमको सुगंध मिल सकता है ना। इसलिए मसीह का सुगंध स्वीकार करना है। मसीह का सुगंध स्वीकार करने के लिए कलीसिया अलग अलग रास्ता रीति हमको दिखाता है। सबसे पहले प्रभु मसीह का वो सुसमाचार और प्रभु का वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है, सेवा शुश्रूषा करना है। वो कलीसिया का पठन, वो थॉमस पर हमको बताया
कैटिकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के बारे में ना, कहते वो धर्म प्रचार मतबोधन, वो पोप स्वामी का पालकीय पत्र वो पढ़ना है। उसके सबसे पहले इसमें क्या है, ईश्वर का वचन है, वो ईश्वर का वचन का व्याख्यान है। कैथोलिक कैथोलिक चर्च है और पेपल टीचिंग से इसका वो प्रभु पोप स्वामी का पालकीय पत्र है, वो सबका वो अंतरधारा है ईश्वर का वचन है। सो सबसे पहले ईश्वर का वचन मन चिंतन करना है, प्रार्थना करना है, पढ़ना है, तब हमको क्या मिलता है, प्रभु का प्रमसी का सुगंध। सो नगरों में गांवों में जाके प्रमसी का संदेश फैलाना है हमारा कर्तव्य। इसका अभ्यास के लिए दो दिन विशेष रीति से समर्पित है। सपैरे मित्रों, नमक के समान, प्रकाश के समान, ज्योति के समान व्यवहार करके प्रभु मसीह का प्रेम का संदेश, न्याय का संदेश, शांति का संदेश, संधि का सत्य का संदेश फैलाने के लिए हम कोशिश करेंगे, लोगों को मदद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अभी 50-56 लोग हैं। अभी आप लोग अपने अपने गांव में जाकर, पैरिश में जाकर बाकी लोगों को भी प्रचार करने को लिए अभ्यास देना है। इसका उद्देश्य यही है, आप लोग लीडर्स नेतृत्व के। तो प्यारे मित्रों, एक विचार हमारे मन में रखते हुए अच्छे रीति से प्रभु का मसीह प्रचार करने का वरदान प्रार्थना करके आज का मिसा बलिदान में भक्ति भाव से हम भाग लेंगे। प्रभु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।